सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी सोलमेट शबाना। मैं एक नई श्रृंखला लेकर आई हूं, सीरीज लेकर आई हूं, जोडियक साइंस यानी कि राशियों पर आधारित। हर सीरीज में, हर एपिसोड में, हर वीडियो में मैं आपके लिए एक राशि के बारे में, आपको उसके पर्सनालिटी ट्रेड्स, उसके लकी कलर, लकी नंबर, लकी डे, हर चीज़ के बारे में मैं बताऊँगी, जिससे कि अगर आपके आसपास कोई भी उस राशि का पर्सन हो, बंदा हो, तो आप उसको समझ सकें, उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, दो राशियों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब हमारी तीसरी राशि है मिथुन, जेमिनाई। जेमिनाई मिथुन राशि वाले जो हैं, इनका जो एलिमेंट होता है वो होता है एयर। ये बिल्कुल हवा में रहते हैं, बिल्कुल तेज तर्रार, बिल्कुल तेज तर्रार नेगेटिव उसमें नहीं, अच्छे उसमें, बिल्कुल हवा में उड़ते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, स्पीड होती है इनके अंदर बहुत। ठीक है, क्योंकि इनका एलिमेंट होता है एयर, और ये ज़्यादा चीज़ों को अपने मन में भी नहीं रखते होते। ठीक है, पहले बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इनका एलिमेंट हो गया एयर, और इनका लकी कलर है ग्रीन। इनके जो ईष्ट हैं, देवता हैं, वो हैं गणेश जी महाराज। इनका लकी डे है बुधवार यानी कि वेनेसडे, और इनका लकी नंबर है नंबर 5। ठीक है, और इनका जो नेचर है वो बिल्कुल ट्विंस के तरह है, यानी कि अच्छा भी और बुरा भी, यानी उसी वक्त अच्छा भी बुरा भी, उसी वक्त जो है ये दोनों तरह के स्प्लिट पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। कहने का मेरा मतलब है, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत दिमाग इनका अच्छा होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, चीज़ों की तह तक बहुत जल्दी जाते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, मैन्युपुलेटिव होते हैं, डुअल नेचर के होते हैं, यानी पल में तोला पल में माशा। अभी जो है इनका फ्लक्चुएशन रहता है इनकी पर्सनालिटी में, ये जिस तरह के लोगों में बैठते हैं उसी तरह की बातें करते हैं। अगर जैसे कोई शख्स है किसी ग्रुप में, उसकी जो है तारीफ हो रही है तो ये भी तारीफ करने लगते हैं। अगर किसी ग्रुप में उसकी बुराइयां हो रही हैं, उसकी कमियां निकाली जा रही हैं, तो ये भी उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। यानी ये अच्छे के साथ अच्छे घुल मिल जाते हैं, और थोड़े से गड़बड़ के साथ गड़बड़ भी हो जाते हैं। बहुत एडजस्टिंग होते हैं, वाक्पटुता बहुत होती है, इनको बोलना आता है, कम्युनिकेशन के देवता है ना, इनको बोलना बहुत अच्छा आता है, दूसरों को अपनी बातों से बहुत जल्दी मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। यूनिवर्सल नंबर 5 के रूलिंग रूलिंग इनका प्लैनेट होता है, नंबर होता है, तो ये सबके साथ जेल करते हैं। ठीक है, क्लेवर होते हैं ये ना, बिल्कुल उस तरह से होते हैं जैसे स्पॉन्ज होता है ना, एक स्पॉन्ज, उसको आप गीला करते जाइए, पानी डालते जाइए, सारा पानी उसके अंदर कहाँ जज्ब हो जाता है पता ही नहीं चलता, फिर भी वो उतने का उतना शेप लेके रहता है। ऐसे ही ये स्पॉन्ज की तरह होते हैं। इनके अंदर खूब सारी जो है न्यूज़ मैसेजेस, इसकी सुनी उसकी सुनी, सब इनके अंदर जज्ब होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, और ये उसको पकड़ के रिजर्व होके बैठ जाते हैं। हाँ, ये चुगली नहीं करते किसी से, ऐसा नहीं है कि चुगली करते हैं, बट हाँ ये स्पॉन्ज की तरह है। ठीक है, तो ये था कुछ बातें जेमिनाइज के बारे में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। और इनका जो क्रिस्टल होता है, इनका जो स्टोन होता है, वो होता है पन्ना। ठीक है, पन्ना या फिर हकीक, इन लोगों के लिए वो बहुत शुभ रहता है। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाई के लिए। अब जैसे कि मैं हर उसमें आपको एक टैरो कार्ड भी बता रही हूँ, जो कि अलग अलग प्लैनेट्स को शो करता है, उनके साथ वो कनेक्टेड होता है। तो टैरो कार्ड्स में जो जेमिनाइज के लिए कार्ड है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ।
वो है द लवर्स का कार्ड। जब हम चारों कार्ड रीडिंग करते हैं, लोगों को लगता है कि हम जो ये तो कार्ड्स हैं, कागज़ हैं, और इनसे कैसे प्रिडिक्शन होगी। नहीं, इनके अंदर देखिए सारे के सारे जो हैं प्लैनेट से रिलेटेड कार्ड्स होते हैं। जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये भी सारे साइंटिफिक होते हैं, इनमें भी सारा लॉजिक होता है। इनकी हेल्प से हमें प्लैनेट्स के बारे में पता चलता है कि किसकी लाइफ में कौन सा प्लैनेट सही चल रहा है या सही नहीं चल रहा है, या किसके अंदर क्या उपाय करने हैं। तो ये था हमारा मिथुन राशि वालों के लिए। अब अगली राशि के बारे में भी हम जल्दी से आपको बताते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच।